What is machine learning and how to make a career in it? To simplify further, मैं real life situation से समझाता हूँ। हम सभी humans अपने experiences से बने हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, और फिर उसी according act करते हैं। जैसे बचपन में गर्म पानी में हाथ डालने से हाथ जलेगा, ये हमारे दिमाग में पहले से ही स्टोर्ड है, और फिर फ्यूचर में हम ये सेम एक्शन रिपीट नहीं करते हैं। उसी तरह ऐसे हजारों छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में हमारी लाइफ से स्टोर्ड है, और हम उसी बेसिस पे रोज एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब बस अपने ब्रेन की जगह एक मशीन को रख दो, जहां हम उसको अलग अलग तरह के डेटा और उसके रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करवाते हैं, और ये 100-200 नहीं हजारों लाखों डेटा पॉइंट्स को स्टडी करता है, यानी एक साथ लर्न करता है रिजल्ट्स डिराइव कराने के लिए, और इसी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं जो आप रोज एक्सपीरियंस करते हो, समझा दें। जैसे कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, तो यूट्यूब शॉर्ट्स आपको वही चीजें रेकमेंड करता है जो आप पहले देखते हुए आ रहे हो। एक और एग्जांपल है स्पेल चेक्स। आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि कब आप कौन से वर्ड को गलत तरीके से लिख रहे हो, और ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देता है। ये सब मशीन लर्निंग के थ्रू ही होता है, वेयर द मशीन लर्न्स द बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा एंड यूजेस इट फॉर इट्स फ्यूचर रेफरेंस। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो बहुत सारा डेटा और एक एल्गोरिथम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले फ्यूचर में AI और ऑटोमेशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होने वाला है। एवरी कंपनी एंड ब्रांड टुडे, बी इट गूगल या फिर कोई नया स्टार्टअप, ऑल दे वांट इज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। एंड नाउ वी विल एड्रेस टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडर इट। इसे सीखने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है, और मैं ये स्किल्स कहाँ से सीख सकता हूँ, और इसका करियर स्कोप और एवरेज सैलरी क्या है। बट करियर और पैकेज से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है इसमें जाने के लिए। सो मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन बिग डेटा, तो मैथ्स, स्टैट्स, एक्सेल, प्रोबेबिलिटी, डेटा मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ यही नहीं, मशीन लर्निंग के लिए कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड आर में भी अच्छा होल्ड होना जरूरी है। तो नेचुरली इफ यू आर नॉट समवन जिसकी ये सारे स्किल्स नहीं है, या फिर उनका एनालिटिकल स्किल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर एक बेस नहीं है, तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग इज नॉट फॉर यू। बट लेट्स से कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको एक दो स्किल्स भी आते हैं ना बस, तो यू कैन मेक अ करियर इन दिस बाय लर्निंग द रेस्ट ऑफ इट। तो लेट मी टेल यू कि ये सारे स्किल्स आप कहां से सीख सकते हो। नंबर वन पे है कोर्सेरा। यहां पे आप सब बिगिनर लेवल मशीन लर्निंग कोर्स सिर्फ 3 हफ्तों में कर सकते हो, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो ये कोर्स आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करवाएगी। नहीं यार, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। द कोर्स इज 100% ऑनलाइन। इन दिस कोर्स यू विल लर्न प्रैक्टिकली एंड बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स इन पाइथन। खत्म होने पर ये कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, विच यू कैन ऑब्वियसली पुट ऑन योर रिज्यूमे एंड इवन लिंक्डइन। और द बेस्ट पार्ट इज ये कोर्स बिगिनर लेवल वाला फ्री में अवेलेबल है, तो मैं तो जरूर रेकमेंड करूंगा इसको, और साथ ही साथ इसको करके आप जान सकते हो कि आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है या फिर उसमें अपना करियर परस्यू करना है या नहीं करना है। अनदर क्रैश कोर्स दैट यू कैन डू इज फ्रॉम द वन एंड ओनली गूगल। ये 15+ hours का क्रैश कोर्स है, और पता है कौन करवाता है? गूगल के खुद के मशीन लर्निंग इंजीनियर जो 2001 से उनके साथ काम कर रहे हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि दिस इज ऑल प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पे 25+ modules है और 30+ practical learnings। अब गूगल का कोर्स है तो कोर्स बोरिंग तो होगा नहीं। ये इंटरैक्टिव विजुअल्स के साथ आपको ट्रेन करते हैं, और हर एक लेसन के बाद में आपको राइटिंग नोट्स भी मिलते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद और अपने आप को अपस्किल करने के बाद आप गूगल के और एडवांस लेवल कोर्सेज कर सकते हो जो उसी लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएंगे, एंड इसके बाद बाकी मॉडल्स खुद बना सकते हो, यहाँ तक कि कोई जॉब भी ग्रैब कर सकते हो। बेसिकली आज के टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है सीखने के लिए कि अगर कोई बोलता है ना कि आई डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, इट इज प्योरली बेसलेस। अनदर कोर्स जो एडवांस लेवल का है और फ्री भी है, दैट इज बाय एडेक्स। ये 12 वीक्स का कोर्स है जहाँ पे आपको हर वीक 8-10 hours डिवोट करने हैं। इसमें आप प्रोबेबिलिस्टिक वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिस्टिक व्यू पॉइंट्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड इन्फेरेंस एल्गोरिथम्स फॉर मॉडल लर्निंग सीखेंगे विद अ लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ के इंस्ट्रक्टर जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है, पर हाँ इस कोर्स का अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे नंबर 4 पर,
फोर्थ आता है अपग्रेड. ये कोर्स उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स है विद अ लिटिल ओवर वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड्स. ये एक्चुअली एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो बैंगलोर के वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स IIIT करवाता है. इसमें आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अलावा और भी काफी टॉपिक्स पढ़ोगे जो इसी फील्ड के आसपास रिवॉल्व करते हैं. क्योंकि ये सीरियस प्रोफेशनल्स के लिए है, इस कोर्स का ड्यूरेशन है 13 मंथ्स. इसमें एडमिशन के लिए आपको एक ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी एंड आपके 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में और साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर फील्ड्स. इस कोर्स को करने के बाद लोगों को 90% तक की हाइक मिली है एंड हाईएस्ट पैकेज आफ्टर दिस इज क्लेम टू बी 1.23 crore. इस प्रोग्राम की कॉस्ट है 2,99,000 जो कि आप नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी फिल कर सकते हो. सो इन ऑल अगर आप एक सीरियस प्रोफेशनल हो जो चाहते हो अपने करियर को अपस्किल करना देन दिस कोर्स इज फॉर यू. फिफ्थ आता है MyGreatLearning.com. दिस प्लेटफॉर्म विल लेट यू वर्क ऑन 20+ इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज. तो सोचो पढ़ाई के दौरान ही अगर रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज सॉल्व कर ली तो कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी एंड दिस कॉन्फिडेंस विल लीड यू टू हैव अ बेटर जॉब. बट ध्यान रहे ऐसे ही प्रैक्टिकल ऑप्शंस आपको बाकी कोर्सेज के अंदर भी मिल जाएंगे. 12 वीक के इस कोर्स में आप MIT की फैकल्टी से पढ़ रहे होगे और इसकी फीस है 1.5 lakh. ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 ऑप्शंस बताए हैं, अगर आप गूगल करोगे ना तो 10 ऑप्शन से भी ज्यादा मिल जाएंगे. बट हाँ मेरा सिर्फ इतना ही सजेशन होगा कि कोई भी कोर्स लेने से पहले मेक श्योर कि उसके रिव्यूज को पढ़ के कंपेयर कर लो कि करना कौन सा है. चलो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जॉब्स एंड सैलरी. AI में जो जॉब्स होंगी ना वो अलग अलग नाम से होगी, जैसे कि एंट्री लेवल जॉब पे डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट बोलते हैं एंड थोड़े और एक्सपीरियंस लेवल पे AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर रिसर्चर्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर भी बोलते हैं. फॉर अ फ्रेशर पैकेज कुड बी 5 lakh to up to 15 lakh. मिड टू सीनियर लेवल पर 15 to 30 lakh एवरेज पैकेज होता है. और अगर आप सच में पैशनेट हो, अच्छे स्किल्स बिल्ड कर लेते हो तो बड़े बड़े ब्रांड जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में यू कैन इवन अर्न अप टू 1 crore. तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सेम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने को मिल जाएगी, जैसे ग्लास डोर है, levels.fyi है एंड ऑब्वियसली LinkedIn भी है. और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक चीज तो कन्फर्म है कि आप AI में करियर बनाने के लिए सचमुच में इंटरेस्टेड हो. तो आपको ना एक और टिप देता हूँ, जो भी आप कर रहे हो ना AI में, Getting in depth of that will really be helpful for you. Basically, endless possibility है ये AI की दुनिया में. जितना ज़्यादा explore करोगे, उतना ही beneficial रहेगा. इस area में ना लोग innovators और problem solving attitude को बहुत ज़्यादा relevance देते हैं. चलो, I hope this was helpful for you. कोई भी questions है ना इसके regarding, so let me know in the comments. मिलते हैं next video में with another valuable information.